हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हर यूट्यूबर फेस करता है। यूट्यूब वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आते? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन व्यूज क्यों नहीं मिलते? इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 स्टेप्स, बट रिमेम्बर वन थिंग, 3rd और 5th स्टेप वो है असली गेम चेंजर। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस स्टेप्स इन योर जर्नी आर मोस्ट क्रूशियल। सो फर्स्ट स्टेप इज आपके कंटेंट का नीज और टारगेट ऑडियंस। आर यू रीचिंग द राइट ऑडियंस फॉर योर कंटेंट? क्या आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या नहीं? तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। नीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके कंटेंट का वो फाउंडेशन है जिसे व्यूअर्स नोटिस करते हैं। नीज का मतलब होता है वो स्पेशल टॉपिक या थीम जिसे आप अपने वीडियोज में कवर करते हैं। तो अब क्लियर कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लियर नीज किस तरह काम करता है। अगर आपका नीज क्लियर नहीं है तो व्यूअर्स को समझना मुश्किल हो जाता है कि आपका चैनल किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर नीज रखना आपको एक डिफाइंड ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक कुकिंग चैनल चला रहे हैं, आपके नीज हो सकता है क्विक एंड हेल्दी रेसिपीज या फिर डेजर्ट एंड बेकिंग। इससे आप अपने ऑडियंस को क्लियर बता रहे हैं कि आप किस तरह के रेसिपीज शेयर करेंगे। तो सेकंड स्टेप इज SEO टाइटल्स का ध्यान रखना। आपके वीडियोस को सर्च रिजल्ट्स में लाने का एक इम्पोर्टेंट मेथड है। तो चलिए इस प्रोसेस को समझें और कुछ जरूरी पॉइंट्स को डिस्कस करें। इम्पोर्टेंस ऑफ SEO इतना बड़ा रोल क्यों होता है? बिकॉज SEO का सही यूज करके आप अपने वीडियोस को सर्च इंजन्स में रैंक करा सकते हैं। आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करना होगा जो आपके ऑडियंस थ्रू बार बार सर्च किए जाते हैं। तो अब थोड़ा टाइटल पर भी नजर डाल लेते हैं। द टाइटल इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर वीडियो, मेक इट इंटरेस्टिंग एंड सर्चेबल। टाइटल आपके वीडियो का पहला इम्प्रेशन होता है, उसे इंटरेस्टिंग और सर्चेबल बनाए। कीवर्ड इनकॉर्पोरेशन इम्पोर्टेंट है बट टाइटल भी कॉम्प्लिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक फिटनेस चैनल चला रहे हैं और आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप 10 मिनट फैट बर्निंग होम वर्कआउट दिखाते हैं, तो इस पर आपका टाइटल हो सकता है क्विक एंड इफेक्टिव 10 मिनट फैट बर्निंग वर्कआउट एट होम फिटनेस टिप्स 2023। इसमें क्विक इफेक्टिव फैट बर्निंग वर्कआउट एट होम और फिटनेस टिप्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जो फिटनेस एंथुसियास्ट सर्च कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन की कमी। आर यू कनेक्टिंग विद योर व्यूअर्स? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा बिकॉज ये आपके चैनल की ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन आर बोथ फैक्टर्स जो आपके ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की शुरुआत करते हैं। दे नॉट ओनली हेल्प यू कनेक्ट विद योर व्यूअर्स बट ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अ लॉयल ऑडियंस। ये ना ही सिर्फ आपके व्यूअर्स के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं बल्कि आपको एक लॉयल ऑडियंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो अब इम्पोर्टेंसी ऑफ इंगेजमेंट के बारे में वन लाइन में समझ लेते हैं। जब आप अपने व्यूअर्स के साथ एक्टिवली इंगेज करते हैं सो दे फील दैट यू टेक देयर ओपिनियंस कमेंट्स एंड फीडबैक सीरियसली। इस तरह का इंगेजमेंट लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को बिल्ड करता है। तो आप इंटरेक्शन किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अपने व्यूअर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आप कमेंट का जवाब दे सकते हैं, लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रह सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज वीडियो क्वालिटी एंड एडिटिंग आर बोथ फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट व्यूअर्स एंड हेल्प योर कंटेंट स्टैंड आउट। सो दोनों ही फैक्टर्स हैं जो आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं और आपके कंटेंट को स्टैंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो क्वालिटी को वन लाइन में समझ लेते हैं। योर वीडियो क्वालिटी डिफाइंस द व्यूअर्स फर्स्ट इंप्रेशन। क्लियर, क्रिस्प एंड विजुअल अपीलिंग कंटेंट दिखने से व्यूअर्स एंगेज रहते हैं। एंड अच्छी एडिटिंग से भी आप अपने कंटेंट को फिनिशिंग एंड प्रोफेशनल बना सकते हैं। इफेक्टिंग एडिटिंग कैन इनहेंस ऑडियंस एंगेजमेंट। फॉर एग्जांपल, कट्स एंड ट्रांजिशन को स्मूथली क्रिएट करें। यूज बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यूडियसली एंड रिलेवेंट ग्राफिक। दिस एलिमेंट्स मेक योर वीडियो विजुअल अपीलिंग। एंड फाइनली, फिफ्थ स्टेप इज कंसिस्टेंसी और अपलोड शेड्यूल आर बोथ फैक्टर्स जो आपके चैनल की ग्रोथ में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो कंसिस्टेंसी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। रेगुलरली पब्लिशिंग कंटेंट कीप व्यूअर्स हुक्ड टू योर चैनल। रेगुलर कंटेंट पब्लिश करना व्यूअर्स को आपके चैनल पर हुक्ड रखता है और आपकी ऑडियंस को पता चलता है कि आप नए कंटेंट के लिए कब अवेलेबल होंगे। तो आप कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? इसके लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाएं ताकि व्यूअर्स को पता रहे कि आपका कंटेंट उनके लिए हमेशा अप टू डेट होगा। फॉर एग्जांपल, एक फिक्स अपलोड शेड्यूल बनाने से व्यूअर्स आपके वीडियोस का वेट करते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली हेल्प्स इन ऑडियंस रिटेंशन। अगर आप चाहते हैं कि
आपके वीडियोस पर व्यूज आए तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखें और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।